फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बाजू का एक लेटेस्ट डिजाइन बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने बाजू की कटिंग पहले से ही कर ली है, बहुत ही सिंपली, जैसे हम नॉर्मल अपनी बाजू की कटिंग करते हैं। और इसके नीचे हम डिजाइनिंग के लिए कपड़ा लगाएंगे अलग से। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये सेम कपड़ा कट कर लिया है और बिल्कुल सीधा कट किया है। ये इसकी लंबाई देखिए, यहाँ पर करीब हमारी 4.5 इंच है और इस कपड़े की चौड़ाई है 20 इंच, यानी कि ये फोल्ड करके 20 इंच लिया है मैंने। ये पूरा खुलकर ये हमारा पूरा 40 इंच, यानी कि 40 इंचेस आ जाएगा। और बाजू की जो लंबाई रखी है, यहाँ पर हमने रखी है 11.5 इंच, जो कि तैयार हमारी 10.5 इंच आएगी। तो ये हमारी बिल्कुल यही घुटनों तक ही आएगी ये बाजू, और इसके नीचे हमारा ये वाला डिजाइन आएगा जो कि हम इस कपड़े के साथ बनाएंगे। सबसे पहले हम अपना नीचे वाला पैटर्न बनाकर रेडी करेंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये दो लेस ले ली है और ये सिंपल हमारी प्लेन इस तरीके से गोल्डन लेस है, और एक ये हमारी नोक वाली गोटे वाली लेस है जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और आपको किसी भी दुकान पर अपना मिल जाएगा जहां पर आपको धागे वगैरह मिलते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा पैटर्न है इसको हम इस तरीके से सीधा करेंगे पहले तो, और ये हमारे कपड़े का सीधा वाला साइड है, तो कपड़े के उल्टे वाली साइड की तरफ हम इस तरीके से ये वाली लेस को लगाएंगे। तो केवल आपको 1/2 इंच इस तरीके से कपड़े को दबाना है और यहाँ पर बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखिए कि हम उल्टी वाली साइड की तरफ ये सिलाई लगा रहे हैं। ये लेस को देखिए, हमने इस तरीके से सिल दिया है। अब इसको सीधी साइड की तरफ हम पलट देंगे और देखिए, इसके साथ ही साथ में हमें ये नोक वाली लेस भी लगानी है, तो इसके अंदर रखेंगे और केवल जो हमारा नोक वाला पार्ट है गोटे वाला, वो बाहर की तरफ आपका दिखाई देगा। इस तरीके से पलटते हुए पूरे लेस पर हम इसको सीधी सिलाई लगाकर इस तरीके से सेट कर लेंगे। बिल्कुल सीधी सिलाई लगाकर हम लेस को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, नोक वाली लेस हमारी इस तरीके से ऊपर की साइड की तरफ आ जाएगी और ये पट्टी लगाकर हमने रेडी कर ली है। अब ऊपर वाली यानी कि अपोजिट साइड की तरफ से हम यहाँ पर प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा बड़ी प्लेट्स आपको नहीं डालनी है, छोटी छोटी ही प्लेट्स हम डालेंगे पूरे में, और आपको इतनी ही प्लेट डालनी है कि आपकी जो बाजू का बॉटम है वो बिल्कुल ठीक से आ जाए। पूरे में इस तरीके से हमें प्लेट बनानी है और केवल सिलाई लगा लेनी है। पूरे में सिलाई लगाने के बाद अब हम अपनी बाजू का जो बॉटम है उसको इस तरीके से घुमाते हुए पूरी बाजू से नाप लेंगे और देख लेंगे कि एग्जैक्टली हमारा पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। और देखिए, इसके बाद में हमें ये जो हमारी प्लेट्स हमने बनाई हैं इसको नीचे वाली साइड की तरफ भी हमें सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि ये इस तरीके से जो पूरा घूम रहा है ये घूमेगा नहीं और बिल्कुल अच्छे से हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल सीधा सीधा करते जाइए और नीचे की साइड पर हम बड़े टाके की सिलाई लगाएंगे और इस टाके को हम बाद में निकाल देंगे। तो ध्यान रखिए कि हमें बड़े टाके की सिलाई लगानी है। देखिए, सारी प्लेट्स हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएंगी और काफ़ी फ्लफी लग रही है हमारी स्लीव्स। अब देखिए, इसको ऊपर वाली साइड की तरफ भी हम ऐसे ही लेस लगाएंगे नोक वाली।
तो नोक वाली लेस को आप उल्टा कर लीजिए और इस तरीके से लगाएंगे। देखिए जो हमारी नोक वाली साइड है वो नीचे की तरफ रहेगी और उल्टा करके आपको लगाना है। तो ये आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि हमें इसे कैसे लगाना है। उल्टा करके हमें सीधी वाली साइड की तरफ इसको लगाना है। अब हम अपनी बाजू ले लेंगे और बाजू को भी इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर। सीधी वाली साइड हमारी नीचे की तरफ है और ऊपर वाली साइड हमारी उल्टी वाली साइड है। यहाँ पर बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेंगे और अपनी बाजू को इस नीचे वाले पैटर्न के साथ जोड़ देंगे। लगा दी है और इस तरीके से हमारा जो डिजाइन है और बाजू एक दूसरे में जुड़ चुके हैं। अब इनको हम इस तरीके से सीधा करेंगे। तो ये देखिए, ये वाला जो डिजाइन है अभी हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, बट अब इस वाले कपड़े को ये जो हमने इस तरीके से सिला है इसको देखिए नीचे की तरफ कर देंगे। इस तरीके से हम इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेंगे और यहाँ पर जो हमने बड़े टाके की सिलाई लगाई है इसको भी खोल देंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए इसको हमने बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर लिया है और नीचे वाली जो बड़ी वाली सिलाई थी वो हमने खोल दी है और इस वाले कपड़े को ऊपर की तरफ दबाते हुए बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर दिया है। और ये देख सकते हैं आप, ऐसे ही हमने अपनी दूसरी वाली बाजू को बनाकर भी रेडी कर लिया है और बहुत ज़्यादा इसमें काफ़ी अच्छा सा घेर आया है। तो अगर आपके ऐसे ही कोई प्लेन स्लीव्स हैं तो उस पर आप इस तरीके का डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब देखिए, बाजू को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, मिलाएंगे और ऊपर वाले पार्ट से भी ये हमने फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, पूरे में सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद में जो हमारी साइड की सिलाई है वो लगा लेंगे। उसके बाद में इसको हम अपनी कमीज के साथ स्टिच कर देंगे और इसका जो पूरा लुक आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आ रहा है। आप देख सकते हैं, अम्ब्रेला स्लीव्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी, बट दोबारा से इनका ट्रेंड, ये देखें, इस तरीके से प्लेट्स वाली स्लीव्स का ट्रेंड आ गया है। स्लीव्स को देखिए हमने कुर्ती के साथ अटैच कर दिया है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक आ रहा है हमारी इसका। काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर भी आ गया है इसमें इस तरीके से प्लेट्स डालने पर। और ये देखिए ज़रा पहनने के बाद ये किस तरीके से दिखता है। सो ये कुछ इस तरीके से आपके हाथ के ऊपर दिखेगा और जो ये घेर है ना, ये देखें आप, इस तरीके से पूरा घेर आपके ये पूरे हाथ पे आएगा। तो काफ़ी सुंदर सा लुक दे रहा है हमारी पूरी बाजू को। अगर कोई भी प्लेन कपड़ा है आपके पास तो भी आप उससे ऐसी बाजू बना सकते हैं, या फिर कपड़े की कमी है, कम है कपड़ा, तो भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार जोड़ आ जाता है हमारी बाजू में, तो भी आप इस तरीके से बना सकते हैं डिज़ाइनिंग। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, खुदा हाफिज़।